अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे, इसी दुआ के साथ, इसी उम्मीद के साथ आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट। तो जनाब, आज मैंने चने की दाल और अंडे का सालन बनाया था, और क्योंकि दाल देखते ही सबके मूड टेढ़े मेढ़े होने लगते हैं, लेकिन बच्चे जो है मेरे चने की दाल शौक से खाते हैं और मैं थोड़ा कम शौक से खाती हूँ। बस मैं खा लेती हूँ यूँ ही, लेकिन मैं कम शौक से खाती हूँ, इसलिए मैंने जो अंडे डाल दिए थे। तो इससे ये होता है कि टेस्ट इसका सुपर डुपर हो जाता है। आप चाहो तो इसको अंडे जिसे फेंट के बनाते हैं ना, उस तरह से फ्राई करके भी आप इस पर डाल सकते हो, लेकिन मैंने साबित अंडे का सामान बनाया था क्योंकि मुझे वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं इस वजह से। और मैं यहाँ पे खा रही हूँ क्योंकि जब भी अंडे बॉयल करो ना, तो मैं ये कहूँगी आप लोगों से, अगर चार अंडे आपको बॉयल करने हैं तो पाँच बॉयल करो, एक अंडा लाजमी ख़राब हो जाता है, टूट जाएगा पता नहीं क्यों। तो वो टूटा हुआ जो अंडा था वो भी मैंने खुद ले लिया, क्योंकि बच्चे तो फिर आपस में बोलेंगे ये क्या हो गया भाई, अलग से हो गया कोई सीन, तो इस वजह से वो टूटा हुआ अंडा मैंने ले लिया था और मैं वही खा रही हूँ। आप लोग देख सकते हो मज़े लेकर, और आप लोग ये भी देख रहे होगे कि मैं अकेले खा रही हूँ क्योंकि हबी जो है मेरे वो काम पर थे, वो आए नहीं थे काम से ना, यानी इस वजह से बच्चे भूखे थे, बच्चों को वो खाना नहीं खाना था अकेले, इस वजह से फिर मैंने बच्चों का साथ दिया और मैं उनके साथ बैठ गई खाना खाने, क्योंकि बच्चे बिना यानी या तो मैं हूँ या तो बाबा हूँ, यानी साथ खाना खाना ज़्यादा पसंद करते हैं, अलग से खाते नहीं हैं, फिर ऐसे भूखे ही सो जाएंगे भले से, लेकिन अलग खाना नहीं खाएँगे। तो इस वजह से आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर बच्चे सब बैठे हैं माशाल्लाह से, खाना इंजॉय कर रहे हैं। और ये अब ये देखें तस्बीहा का हाथ, ये किस तरह से गंदगी से खा रही है, तो थोड़ा वाइट कीजिए क्योंकि बच्चे हैं, बच्चे इसी तरह से खाते हैं भाई। और मैं जो है बच्चों को हमेशा से यही चाहती हूँ कि बच्चे जो हैं वो खुद से खाना खाएं, उससे ये होता है कि आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होती कि बच्चे को बिठा के फिर खुद से खिलाना है, आपको एक काम और बढ़ जाता है। तो मैं जब बच्चे छोटे होते हैं ना, जैसे 6-7 महीने के, तो मैं कुछ ना कुछ जैसे छोटी सी कटोरी में या कुछ भी पापड़ हो गए या फिंगर चिप्स हो गए, कोई कुछ भी जो बच्चे खाने लगते हों, तो वो मैं डाल डाल के ना प्याले कटोरी में उसको उनको दे देती हूँ, ताकि बच्चे जो आहिस्ता कर खाना सीख जाए। और छोटे से मैं आदत लगाती हूँ, वरना बहुत परेशानी होती है, बाद बच्चे नहीं खाते। और मेरे जो है ये दो बच्चे जो हैं बड़े वाले, ये तो दोनों सही हैं माशाल्लाह, इन्होंने शुरू से मुझे तंग नहीं किया, लेकिन तस्बीहा को आज भी जब ये नाराज़ होगी ना, फिर मुझे इसको पकड़ के खिलाना ही पड़ता है, क्योंकि ये छोटी है ना तो इसके नखरे भी बहुत हैं और ये बिल्कुल खाने पीने की चोर है। और ये है जो मैंने दाल बनाई है, ये उसका फाइनल लुक था, बहुत ही हसीन और बहुत टेस्टी बना था और सबको बहुत ज़्यादा पसंद आया। ये आप लोग देख सकते हैं बहुत ही यानी दाल जो है थिक सी, ये बहुत ये आधा किलो दाल मैंने बनाई थी। और ये देखें यहाँ पर कढ़ाई जो है मेरी टूट गई है, ये बिल्ली ने ना चूल्हे से ये कढ़ाई पूरी नीचे गिरा दी थी, तो अब ये जो इसका एक हिस्सा टूट गया और ये अलग से कहीं पर मिलेगा भी नहीं, अब मुझे परेशानी हो रही है बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये जो कढ़ाई थी ये नॉन स्टिक की कढ़ाई थी, जो अब तो इस तरह की कढ़ाई नहीं आ रही मार्केट में जिस पर जो है स्टील का वो हो लीड, यानी ढक्कन जो है वो स्टील का हो। तो अब देखें क्या कर सकती हूँ मैं, अब यही होगा सिलवाई की मुझे कढ़ाई रिपर्चेज करनी पड़ेगी शायद। और ये है जनाब सुबह का वक्त, और यहाँ मैंने आटा गूंद लिया है और पराठे फटाफट बना रही हूँ, इसमें मैं खुशका रखती हूँ देख सकते हैं आप लोग। और ये है हॉर्लिक्स का जो डब्बा जो बच जाते हैं, हॉर्लिक्स के जो जार होते हैं, तो उस पर से मैंने जो वो प्लास्टिक एक होती है ना उसको मैंने कैंची से काट दिया था, और उससे देखिए कितना खूबसूरत सा एक डब्बा सा बन गया है। इसमें मैं अदरक लहसुन का पेस्ट रखती हूँ, अभी ये ख़त्म होंगे तो मैं इसको वॉश करने के लिए मैंने रखा था, तो सोचा आपके साथ शेयर कर दूँ कि आप लोग भी इस तरह से हॉर्लिक्स के डब्बे जो यूज़ कर सकते हो, अगर उसके ऊपर का कवर जो आप कटिंग करके निकाल दो तो। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ पराठे, मज़े से ज़बरदस्त किस्म के पराठे। और आप लोग मुझे बताएं आप लोगों को मेरी वीडियोस कैसी लगती है, अगर पसंद आती है तो लाइक कर दिया करें, और जो चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, और दुआओं में मुझे याद रखें, मैं भी आप सबको दुआओं में बहुत याद रखती हूँ। और आजकल जिस तरह से लॉकडाउन ख़त्म हो गया है, यानी कम हो गई, यानी इसमें सख्ती कम हो गई है, तो बहुत ज़्यादा परेशानियाँ शुरू हो गई हैं। जब लॉकडाउन था तो पानी भी वक्त पे आता था, गैस भी रहती थी और बिजली भी नहीं जाती थी, और अब तो अल्लाह माफ़ करे लाइट तो ऐसे जा रही है हमारी कि बस सारा सारा दिन लाइट नहीं है, इतना ज़्यादा परेशान किया हुआ लाइट ने। और उसके साथ ही जो है जब लाइट जाती है तो गैस भी चली जाती है, यानी लाइट की लोड शेडिंग है, फिर गैस की लोड शेडिंग है, ये सारा सीन चल रहा है, पानी भी नहीं आ रहा है। और यहाँ तो कराची में तो बेचारों का हाल ही यही है कि पानी के लिए तरस गई है आवाम, पता नहीं अल्लाह जानता है कि क्या हमने कोई गुनाह ही किया होगा जिसकी वजह से कराची में पानी नहीं है। क्योंकि लास्ट टाइम जो है अभी हस्बैंड मेरे साहिवाल गए थे, तो वहाँ पे उन्होंने बताया कि पानी के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, मीठा पानी खारा पानी, हमारी तो आधी ज़िंदगी इसी में ख़त्म हो गई कि खारा पानी इस टैंकी में, मीठा पानी इस टैंकी में, मीठा पानी जो है पकाने के लिए यूज़ करो तो खाना, खारा पानी जो कपड़े वगैरह धोने के लिए नहाने के लिए वो यूज़ करो,
सबसे ज़्यादा तो ये परेशानी है कराची वालों के लिए, जबकि आम औकात यहाँ तक कि गांव वाले भी ज़्यादा सेफ हैं हम लोगों से ज़्यादा। हम लोगों को तो इतना परेशान किया हुआ है नाम का, बस हम शहर में रहते हैं भाई, लेकिन गांव वाले हमसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा सुकून में है, बहुत ही ज़्यादा। और हमारा तो यहाँ पर जीना दोभर हुआ हुआ है भाई। बस आप लोग से दुआ है भाई, दुआ करें हमारे लिए कि कराची वालों को सुकून मिल जाए, सुखा सांस मिल जाए, कराची की लोड शेडिंग ख़त्म हो जाए, गैस की लोड शेडिंग ख़त्म हो जाए, और इसके साथ ही ये पानी का जो भी रौनक आना है ना, ये सब भी सही हो जाए। यकीन नहीं करेंगे आप लोग, रमज़ान से पहले जो पानी आया ना अब तक नहीं आया, ईद तक मैं पानी नहीं देते। ये लोग पता नहीं किस तरह के लोग हैं, समझ नहीं आती बात। बस बिल आ जाते हैं वक्त के साथ साथ, लेकिन पानी नहीं आता। 22 दिन 25 दिन पहले पानी आता था, अभी वो भी अल्लाह जानता है कब आएगा पानी। बस अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला बस सब कुछ अच्छा अच्छा कर दे जल्दी जल्दी से। और जनाब यहाँ पे नाश्ता हो गया है, डाल रही थी, अब चाय निकाल चुकी हूँ और अब मैं जा रही हूँ, मैं भी नाश्ता करूँगी सबके साथ। अभी कुछ नाश्ता बाकी है सबका तो इसलिए मैंने अपने लिए अलग से दाल निकाल ली प्याले में, और जो है अब मैं करूँगी नाश्ता। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग मुझे ज़रूर बताया करें कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं, और अगर पसंद आया करे ना तो प्लीज़ लाइक कर दिया करो, ज़्यादा नहीं 10 लाइक कर दो, सिर्फ 10, ज़्यादा नहीं मांगे मैंने, 10 लाइक कर दो बस। तो जनाब आज का व्लॉग यहीं पे मैं एंड करती हूँ, और जाते जाते आप लोगों से यही कहना चाहती हूँ, अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, खुश रहें, आबाद रहें। फी अमान अल्लाह।